नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम रणभूमि 2023। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। रणभूमि 2023 जिसके तहत आज हम पहुंच रहे हैं महू विधानसभा। महू विधानसभा में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। महू विधानसभा से सीट से रणभूमि में जानेंगे कि क्या है महू सीट का सियासी गणित। इस बार महू क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, जनता यहां के विधायक द्वारा कराए विकास कार्य से कितनी संतुष्ट है और क्या जनता को क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसी को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चेतन सिंह ठाकुर। चेतन जी, ओवर टू यू। संचिता, बता दूं जिस तरीके से महू विधानसभा काफी लोकप्रिय विधानसभा है, और बता दूं यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पर करीब करीब 15 वर्षों से बीजेपी काबिज रही है। उसके पूर्व बता दूं करीब करीब 2 बार कांग्रेस काबिज रही है। और जिस तरीके से बता दूं यहाँ जो सीट है बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली से है और लगातार काफ़ी समय तक सुर्खियों में रही है, क्योंकि यहाँ पर जब भी चुनाव हुआ है तो दिग्गजों के बीच चुनाव हुआ है। बता दूं कैलाश विजयवर्गीय 2 बार यहाँ चुनाव जीते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति में बता दूं उषा ठाकुर यहाँ से मंत्री हैं जी। और यहाँ की अगर बात करें पृष्ठभूमि की, तो सीधे तौर पर हम पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं। पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि क्या पृष्ठभूमि यहाँ की रही है। जी संचिता, इंदौर की महू सीट को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इसी क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है, जिसके चलते इस सीट का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली महू विधानसभा सीट का एक अजब गणित भी है। यहाँ के पहले विधायक के बाद महू से कभी कोई विधायक नहीं मिला। जो शहरी विधायक मिले भी तो वे इंदौर और उज्जैन के रहने वाले थे। बेहतर साक्षरता दर और अंग्रेजी बोलने वालों की ज्यादा तादाद के बावजूद महू क्षेत्र के लोगों की तासीर ज्यादातर ग्रामीण चेहरे को जिताने की ही रही है। महू विधानसभा की साक्षरता दर प्रदेश की औसत 69.32% के मुकाबले करीब 72% है। वहीं अपनी सैन्य पृष्ठभूमि के चलते अंग्रेजी बोलने वालों की भी यहां काफी संख्या है। इन तथ्यों के बावजूद यहां की जनता की प्रत्याशी और पार्टी चुनने की तासीर कुछ अलग है। 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में यहां से कांग्रेस ही जीती थी। वहीं 1985 में जब राजीव गांधी की लहर चली थी तब यहां मतदाताओं ने भाजपा को जिता दिया। इन बातों से अलग भी जनता ने यहां ज्यादा बार ग्रामीण चेहरे को ही चुना है। भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ नेता भेरूलाल पाटीदार जहां महू से 4 बार विधायक रहे, तो कांग्रेस के घनश्याम पाटीदार और अंतर सिंह दरबार 2-2 बार विधायक रहे। आंकड़ेबाजी, 2018 के चुनाव पर नजर डालें तो यहां 11 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। बीजेपी की उषा ठाकुर ने 97,009 वोट हासिल किए थे, तो वहीं कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार को 89,852 वोट मिले। उषा ने ये मुकाबला 7,157 मतों के अंतर से जीता था। 5 साल पहले हुए चुनाव में कुल 2,48,822 वोटर्स थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,138 थी, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,19,677 थी। इनमें से 1,92,494 यानी 78.2% वोट डाले गए। 2,073 वोट तो नोटा के पक्ष में पड़े। महू विधानसभा में मतदाता अधिकतर आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग पाटीदार समाज से भी आते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की संख्या इस विधानसभा पर सबसे अधिक है और वही इस सीट का परिणाम तय करते हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम 2018, भाजपा उम्मीदवार उषा ठाकुर, मत 97,009, मत प्रतिशत 49.86, दल कांग्रेस, उम्मीदवार अंतर सिंह दरबार, मत 89,852, मत प्रतिशत 46.18, बसपा प्रदीप 1,426 मत, वोट प्रतिशत 0.73। माननीय की पृष्ठभूमि, महू की विधायक उषा ठाकुर ने अपने राजनीतिक करियर में 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 3 बार जीत हासिल की, और पिछले चुनाव में तो कांग्रेस के कद्दावर नेता को मात दी। उषा ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन में 3 विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन खास बात यह है कि तीनों चुनाव उन्होंने अलग अलग सीटों से लड़े हैं। 2003 में पहली बार इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से, साल 2013 में
इंदौर विधानसभा क्षेत्र से साल 2018 में बीजेपी ने उषा ठाकुर को महू से उम्मीदवार बनाया। एजुकेशन और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल कर चुकी उषा ठाकुर संघ की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी से जुड़ी रही हैं। इसके बाद 1990 में वो पार्षद बनी। पार्षद बनने के पहले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के परिवार से उनकी मुलाकात हुई। भगत सिंह के परिवार ने उन्हें एक कटार भेंट की थी। ठाकुर इसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम क्षण मानती हैं और अक्सर इस कटार को अपने साथ ही रखती हैं। 2020 में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली। वो कैबिनेट मंत्री बनी। उषा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। 2014 में उषा ठाकुर ने मुस्लिम युवकों के गरबा पंडालों में प्रवेश से संबंधित बयान देकर सुर्खियां बटोरी थी। महू विधानसभा क्षेत्र की जनता मंत्री उषा ठाकुर के विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। मतदाताओं के मुताबिक मंत्री उषा ठाकुर ने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। दरअसल यहां तमाम विकास कार्यों के दावे तो किए गए लेकिन हालात नहीं बदले। किसी के गांव का रास्ता बेहद खराब है तो किसी को बिजली पानी और सड़क का इंतजार है। लोगों का आरोप है कि महंगाई की बात करो तो विकास की बात करते हैं, विकास कहीं दिखता नहीं है। वहीं महू में बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखता है। सिविल अस्पताल में इलाज की व्यवस्था तक नहीं है। इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया जाता है। आज भी महू में कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़क और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। विधानसभा की पृष्ठभूमि, आपको बता दें कि इस बार भी महू सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 2018 की बात करें तो उस चुनाव में यहां से 11 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार क्या सियासी समीकरण रहने वाले हैं और कौन किसको कितनी टक्कर देगा, इस सबके लिए हम सीधे चलते हैं महू विधानसभा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेश लाइव.com पर जाना ना भूलें।